पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुगलपुरा के मौजम उर्फ गुड्डू हत्याकांड में फरार चल रहे हत्यारोपी परवेज उर्फ पर्रू को पुलिस ने 19 साल बाद लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। वो राजधानी लखनऊ में नाम बदल कर रह रहा था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पुलिस ने भी उस पर 5,000 का इनाम घोषित किया था। बुधवार शाम पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने इनामी के पकड़े जाने की जानकारी दी। बताया गया कि 30 नवंबर 2002 को कटघर थाना क्षेत्र के मकबरा प्रथम निवासी कमरू जमा ने मुगलपुरा थाने में 4-5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि रात्रि में उनके भाई मौजम उर्फ गुड्डू की हत्या कर दी गई थी। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी परवेज उर्फ पर्रू लखनऊ के हुसैनगंज छोटा इमामबाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। 2002 से लगभग 20 साल से हत्या का एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो उसी समय से फरार हो गया था। इस समय में आईजी जोन बरेली द्वारा इस पे 10,000 रुपये का इनाम किया गया था। साथ ही उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले से भी इस पे 5,000 रुपये का इनाम है। ये नाम बदलकर लखनऊ में रह रहा था और वहाँ पर यह टेम्पो चला रहा था। आज इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पिछले में कोई आपराधिक इतिहास है सर इसका? इसके ऊपर पूर्व में हत्या के, लूट के, चोरी के आपराधिक इतिहास है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।